तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ सौर सुजला योजना के बारे में। तो सौर सुजला योजना के तहत आप फ्री में कैसे आप सोलर पंप लगवा सकते हैं। अगर आप किसान हैं या फिर आपके घर में कोई किसानी करता है तो उनके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेम मुख्यमंत्री ने किया था पहले से ऐलान। आपको इस योजना के बारे में अगर पता नहीं होगा तो वीडियो में एंड तक आपको बने रहना है। कैसे आप इसमें आवेदन करेंगे, साथ ही आपको पात्रता क्या है, पूरी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी हम देने वाले हैं। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगने हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। बस आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। उससे पहले आपको बताते चले, आपको इस चैनल पर जो भी आपको सरकारी वैकेंसी होती है, सरकारी योजनाएँ होती है, उस रिलेटेड आपको यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। वैसे वीडियो हम कर लेते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सौर सुजला योजना। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ पर जानकारी देते चले, आप सब भी जानते होंगे कि देश भर में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बिजली यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में किसान ने सिंचाई की यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसान को। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ पर यहाँ पर सौर सुजला योजना की शुरुआत किया है। तो इस योजना के जरिए किसानों को मुफ्त में यहाँ पर सोलर पैनल प्रदान किए जाएंगे। क्योंकि आपको बताते चले, सौर यहाँ पर पैनल पंप के यहाँ पर ऊर्जा यहाँ पर चलते, इसलिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती। बहुत कम यहाँ पर बिजली, बल्कि यहाँ पर बिजली लगता ही नहीं। सौर यहाँ पर दिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा है कि सौर सुजला योजना के माध्यम से अन्य राज्यों के मुकाबले छत्तीसगढ़ में ज़्यादा संख्या में सोलर पंप यूनिट किए जाएंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं तो आपको यहाँ पर इस योजना का लाभ उठाना चाहिए। क्या आपको पूरी जानकारी आपको बताते चले, आपको पंजीयन कैसे करना है और कैसे इसमें आप आवेदन कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो सौर सुजला योजना 2024 के बारे में बात करते हैं, कुछ जानकारी इसको देने थे। सौर सुजला छत्तीसगढ़ में चलाई जाने एक ऐसी योजना है जिससे आपको योजना पर इस योजना के माध्यम से गरीब किसानों को मुफ्त सोलर पंप यहां पर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के जरिए प्रदान किए जाने वाले यहाँ पर जो भी पंप है, सोलर पंप 2, 3 और 5 HP की क्षमता होने वाले हैं। इस सोलर पंप की मदद से राज्यों के किसानों को यहाँ पर खेत पर सिंचाई कर पाएंगे। यहाँ पर बिजली के यहाँ पर बिल भी कम आएंगे और साथ ही बिजली की यहाँ पर खपत भी नहीं होने वाला, जिससे यहाँ पर आय की वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आपको बताते चले, आपकी जानकारी के मुताबिक, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 2 HP के लिए सोलर पंप की कीमत यहाँ पर 2500 रुपये होती है, जबकि 5 HP का अगर लगाते हैं तो लगभग यहाँ पर 3 लाख रुपए तक यहाँ पर होती है। इसका खर्चा जो होता है वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको 5 HP का यदि आप लगवाते हैं तो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लाभ किनको किनको मिलेगा, सौर पैनल योजना के लाभ के बारे में आपको जानकारी देते हैं, कैसे आपको लाभ मिलेगा। तो सौर सोलर योजना के छत्तीसगढ़ के राज्य में जो निवास करते हैं वो किसानों को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। उसके बाद इस योजना का लाभ सबसे पहले उन जगहों पर दिया जाएगा जहाँ पर बिजली नहीं है, जहाँ पर बिजली के यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उनके पर सबसे पहले दिया जाएगा। इस योजना के मदद से किसानों को सिंचाई में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आसानी से सौर पैनल के माध्यम से, यहाँ पर सौर पंप के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। सरकार के द्वारा योजना के यहाँ पर सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे। इस योजना के तहत आपको 2, 3 और 5 HP की क्षमता सोलर पंप यहाँ पर लगवाए जाएंगे। इस योजना के माध्यम से आपको 1 लाख किसानों को यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के किसानों को यहाँ पर इस योजना का लाभ दिए जाएंगे। तो फिर सौर सुजला योजना के तहत कुछ आपको महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको लगने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड आपको देने पड़ेंगे, उसके बाद किसान प्रमाण पत्र जो भी पर्चियाँ होती है, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही आपको बैंक खाता का यहाँ पर विवरण, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि इसमें आपको, इसके अलावा और कुछ डॉक्यूमेंट आपको इसमें लग सकते हैं। अब यहाँ पर जानकारी देते हैं सौर सुजला योजना के तहत अब आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करोगे। सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन आपके बारे में बात करते हैं। नीचे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले, बस आपको फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आवेदन करने के लिए ऑनलाइन यहाँ पर अधिकारी जब से जाना होगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा। यहाँ पर जैसे आप अपने फ़ोन में इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन में होम पेज आपको दिखाई इसको खोल के आ जाएगा। आगे आपको बताएंगे भी कैसे आप इसमें अप्लाई करोगे। तो वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन पर विकल्प मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। स्क्रीन फोन वहाँ पर आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल के आ गया है। संपूर्ण जानकारी आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा, आपको ध्यान रखना है किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करना है। उसके बाद आपको दस्तावेज अपलोड करना है और इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और साथ ही आपको बता दें, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन योजना मजदूर कैसे आप इसमें आवेदन करोगे, इसकी जानकारी आप नहीं मिले तो चैनल पर पहले से वीडियो है, वहाँ से आपको जाकर देख लेना है। और अब यहाँ पर बात करते हैं सौर सुजला योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन कैसे करोगे।
तो पर यदि आपसे ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए अब ऑफलाइन भी आवेदन की प्रक्रिया आपको जानकारी हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से आपको सबसे पहले हम नज़दीकी कृषि कार्यालय में जाना होगा ऑफलाइन आवेदन करने के लिए। इसके बाद आपको सौर सूर्य योजना के बारे में पता करनी होगी, जानकारी लेंगे, फिर आपको यहाँ पर वहाँ से आपको आवेदन फॉर्म भी आपको प्राप्त कर लेना होगा। इसके बाद आवेदन में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको दस्तावेज को यहाँ पर भरना होगा। उसके बाद आपको फोटो का भी दस्तावेज होगा उसको आपको उसके साथ में अटैच करना होगा। उसके बाद जहां से आप फॉर्म यहां पर प्राप्त किए वहीं कार्यालय में आपको जमा करना होगा। तो इसी प्रकार आप यहां पर ऑफलाइन सौर सूर्य योजना में आवेदन कर सकोगे, इसमें ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब वीडियो में बताएंगे कैसे आप इस अधिकारी विषय में इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहीं से आप क्लिक करोगे तो मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ यहाँ पर स्टेट यहाँ पर सौर सूर्य स्कीम यहाँ पर आ चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो पर जैसे मैं स्क्रॉल करता हूँ तो पर सौर सूर्य के बारे में पूरी जानकारी आपको देखने को मिले। सौर सूर्य के उद्देश्य क्या है, तो पर क्रियान्वित कैसे होगा, यहाँ पर क्रिया काम कैसे करता है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सौर सूर्य के यहाँ पर के तहत वितरित यहाँ पर सोलर पंप की यहाँ पर क्षमता और यहाँ पर कितने HP का प्रकार यहाँ पर दिए को मिलेगा। धीरे ग्रह की अंशदान की राशि, सौर सूर्य के आवेदन की प्रक्रिया, यहीं से आप आवेदन की प्रक्रिया के जाने बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सौर सूर्य के तहत आवेदन की यहाँ पर, जैसे मैं प्रक्रिया पर क्लिक करता हूँ तो सौर सूर्य के अंतर्गत सोलर पंप की स्थापना के लिए कृषि कृषक विभाग क्रेडा कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पर वोटर क्रेडर ऑनलाइन यहाँ पर देश के डिसीजन में माध्यम से भी डिसीजन में लिंक है, उसके माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं पोर्टल के माध्यम से, जैसे आप डाउनलोड फॉर्म कर अप्लाई किया जा सकता है। तो नीचे आप जैसे स्क्रॉल करके ऑप्शन मिलेगा सौर सूर्य योजना के आवेदन कैसे करें, तो पर इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आप आवेदन फॉर्म आपके सामने खोल के आ जाएगा। कुछ आपको संपूर्ण जानकारी यहाँ पर आपका नाम पता, यहाँ पर जिला, यहाँ पर स्टेट, संपूर्ण जानकारी, बैंक खाता का विवरण, संपूर्ण जानकारी पहले सौर सूर्य योजना को सेलेक्ट करोगे तो पर संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर भरने को मिलेगा। लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, आधार कार्ड नंबर, जो भी आपको जानकारी इसमें पूछा जाएगा उसको आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। ध्यानपूर्वक भर यहाँ पर आधार कार्ड कमांग, वोटर आईडी कमांग, सब भी संपूर्ण जानकारी जो किसान कार्ड है वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आप जब सही भरोगे तो यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन सब पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो किसी ऑनलाइन सेंटर में अभी आप संपर्क कर से रजिस्टर करवा सकते हो।